मॉर्निंग फ्रॉम काला पत्थर बीच। हर सुबह एक नए दिन की शुरुआत होती है। सनराइज मेक्स मी बिलीव इन न्यू अटेम्प्ट्स, जस्ट लाइक हाउ द सन डजंट फॉरगेट यस्टरडे बट राइजेस ऑन अ न्यू डे ऑल द सेम। वो कहते हैं ना, जिंदगी की सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। Managed to wake up one day early and catch the sunrise. It was so so beautiful. It was breathtaking. Yes. And first time we have seen the sunrise. Yeah. Every time we see sunset. Sunset. So it was a great experience. अगर आप आ रहे हो तो काला पत्थर बीच मिस मत करना सनराइज। एक दिन जल्दी उठ जाओ और काला पत्थर पे सनराइज देखो, बहुत ही खूबसूरत। आपने देखे ही होंगे क्लिप्स। कैसा लेना है? काम करना, एक सर्कल ले लेना, एक मैं ऐसे चल रही हूँ वो ले लेना और देख लो एक दो तीन स्लोमो ले लेना। ठीक है, रेडी? रेडी। ठीक आ रहा है। हाँ। आया? And this is how it turned out. मैं ना ये दुनिया देखना चाहती हूँ, ये जहाँ जहाँ तक भी फैली हुई है वहाँ तक जाकर अपने हाथों को फैलाना चाहती हूँ। जानती हूँ मेरे सपने बड़े हैं, पर सपने नहीं देखोगे तो पूरे कैसे करोगे। सच कहूँ तो मेरे लिए इस वक्त ये सफ़र ही खास है। जिस पल में हूँ उस पल को जीना चाहती हूँ। फ्रेशेंड अप, चेकड आउट एंड हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। और आज के ब्रेकफास्ट में है सांभर, चटनी, उत्तपम, सेवई उपमा, समस्प्राउट, केक एंड बटाटा बड़ा। और वी हैव मोर देन 5 hours टू किल। अभी जेटी में बहुत टाइम है तो यहाँ के प्राइवेट बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर जेटी के लिए निकलेंगे। तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। Goes round and round.
just sit beside me and laugh early. I got the curtains up. I guess it would be nice if you could interrupt. It's a day like this. गुड 30 मिनट्स ऑफ मसाज. इट वॉज सो रिलैक्सिंग. इतने दिन से घूम रहे, बहुत ही थक गए थे, तो ये बहुत हेल्प किया, मच नीडेड था. तो अभी चल जा रहे हैं जेटी के लिए. सो गाइज, वी आर डन विथ आर लंच एंड दैट्स ऑल फ्रॉम हैवेलॉक आइलैंड. ये था हमारा इस दो दिन का स्टे. अभी यहाँ पर ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है. हम अभी जा रहे हैं वापस पोर्ट ब्लेयर और एक दिन रुकेंगे, तो कुछ जगह हम घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. तो हाउ वॉज योर स्टे एट हैवेलॉक आइलैंड? Yeah, the stay was amazing. The 2 days experience that we had was like next was truly heaven, is what I can say. And stay tuned for where we head to next is in Port Blair. So जुड़े रहिए और देखते रहिए. And we can't believe that this is in India and water is so blue. Like when we saw, हम लोग एकदम खुश हो गए कि इंडिया में भी ऐसा बाली में देखने के बाद हम लोग शायद ही इंडिया में तो कहीं नहीं है, आई एम श्योर. तो ज़रूर आइए यहाँ पर. तो अभी हम जेटी है हमारी एक घंटे में, सो एक घंटे में निकलेंगे. तो ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब नाउ. अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो. अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. आप एक ही बार जीते हो, बट इफ यू डू इट राइट, वंस इज इनफ. नो वन रियलाइजेस हाउ ब्यूटीफुल इज टू ट्रेवल अंटिल ही रिटर्न्स होम. तुम जहाँ भी जाते हो, किसी न किसी तरह वह तुम्हारा हिस्सा बन जाती है. लाइफ में मिलने वाले हर मौके को लो, क्योंकि कुछ चीज़ें केवल एक ही बार होती है.